हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं सेल्फ स्टडी चैनल जो क्लास नाइन्थ के लिए बनाया था इसको वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर वन साइंस का, क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर। ठीक, तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरा देखने वाला अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एज यू लुक आवर सराउंडिंग वी सी वेरियस थिंग विथ इट, मतलब आने का मतलब, तो हम इसका कहने मतलब हमारे सराउंडिंग में हम लोग बहुत बड़े विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं जिसका डिफरेंट साइज, शेप और टेक्सचर होता है। तो सारे यूनिवर्स, मतलब एवरीथिंग, जितने भी वस्तु हैं इस यूनिवर्स में मटेरियल से बना हुआ है, जो कि साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया है मैटर। अब हम लोग जो सांस लेते हैं, खाते हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट एंड एनिमल, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, छोटे छोटे जो पानी के जो ड्रॉप बूंद होते हैं, और पार्टिकल्स ऑफ सैंड, सैंड का एक छोटा सा पार्टिकल्स जो है वो सब मैटर कहलाता है। ठीक है, हम लोग ये भी देखते हैं कि दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, मतलब जितने भी वस्तुएँ हैं वो सभी थिंग के पास स्पेस और उसके पास मास होता है। ठीक, दूसरे शब्द में कहे तो उसके पास मास और वॉल्यूम होता है। ठीक, आज देखते हैं, हम कह रहा है सिंस एवरी टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, मतलब कहने का मतलब है ये ह्यूमन बीइंग जो है वह ट्राई करता है अपने सराउंडिंग को समझने का। फिलोसोफर जो थे, इंडियन फिलोसोफर, वह मैटर को पांच भाग में बांटते, पंच तत्व जिसको कहते थे, जिसके एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। तब उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो सभी जो थिंग थे, लिविंग और नॉन लिविंग थे, ठीक, वो चीज पांच तत्वों से बने हुए थे जिसको पंच तत्व कहते थे। वो उसी के क्लासिफिकेशन से मॉडर्न डे में भी साइंटिस्ट लोगों ने निकाला, जैसे कि साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर। अब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन किया गया, तो हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर कहने का मतलब है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जब चैप्टर पढ़ते हैं वो खुद पता चल जाएगा। तो अब कह रहा है मैटर जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से मिलकर बना। अब देखते हैं कैसे। अब हम लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थ प्रिवेल्ड रिगार्डिंग नेचर ऑफ मैटर, आवर स्कूल बिलीव दैट मैटर टू बी कंटिन्यूड लाइक ए बुक ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप पार्टिकल्स लाइक सैंड। अब हम लोग सोचते हैं, हम स्कूल कहता है जो मैटर जो है वह लगातार उड के ब्लॉक की तरह होता है, जबकि हम लोग सोचते हैं कि मैटर जो है सैंड की एक छोटे से पार्टिकल्स जैसा होता है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं नेचर ऑफ मैटर के लिए, इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट, कंटिन्यूस है पार्टिकुलेट है, देखते हैं। जो आपका ऐसा यूनिट ऑफ ये जरूर याद करना है, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ठीक, अब ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, सच एज वन लीटर इज इक्वल टू वन डेका मीटर क्यूब, वन लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मिली लीटर, वन मिली लीटर इज इक्वल टू 1 cm³। ठीक, अब यहाँ पे अब आगे दिया, एक्टिविटी दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, हमको 100 ml का बीकर लेना। ठीक, अब कह रहा है उसको आधा वाटर से और बढ़ के जहाँ तक हम लोग आधा मार्क किए हैं वहाँ तक भर देना है। डिजॉल्व सम साल्ट, उसमें नमक डालना है या चीनी डालना है एक ग्लास रॉड की मदद से। ठीक, अब कोई चेंज होगा उसको ऑब्जर्व करना है वाटर लेवल में। हम क्या देखते हैं, आप साल्ट के साथ क्या होता है, क्या वो अदृश्य हो जाता है, डज इट लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या लेवल ऑफ वाटर, जो वाटर का जो लेवल था वो बदलता है, हम आगे देखते। तो हम इस सब का आंसर देखने के लिए हम जानेंगे मैटर जो है वो मैटर को पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि चम्मच हो गया, साल्ट हो गया और शुगर। साल्ट हो या हम अथी साल्ट ले लिए या शुगर ले लिए, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, जो है वाटर में मिला जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं, फिगर 1.1 में दिया हुआ है। अब वाटर है, देखो वाटर, हम जब साल्ट डाले वाटर
ऊपर आ गया। साल्ट ज़्यादा डालेंगे तो याद रखना वाटर, अगर हम नमक ज़्यादा डाल देंगे तो जो पिघलने वाला होगा वो पिघल जाएगा, और एक्स्ट्रा होगा तो वो नहीं पिघलेगा, ठीक ना। तो वो जो है वो नीचे चले की ओर चला जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो वाटर है, नीचे साल्ट है। अब आगे देखते हैं, जब हम इसको पूरा अगर पूरा पिघलने वाला होगा तो पूरा पिघल के एक वाटर की तरह, और सिर्फ वाटर ही दिखेगा, ठीक ना। पार्टिकल्स जो है उसमें वो उतना ही रहेंगे, ठीक ना, बस पार्टिकल्स का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इन टू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मतलब इसका कहने का मतलब जब जो वाटर का जो पार्टिकल्स था उसमें साल्ट जो है वह उसमें स्पेस बना के अपने वाटर में अपना जगह बना लिया, ठीक है। अब कह रहा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब कितना स्मॉल है वाटर का यह पार्टिकल्स, ठीक। अब कह रहा एक्टिविटी टेक टू एंड थ्री क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सोल्यूशन, और लगभग 10 ml सोल्यूशन लेना है एंड पुट इट इंटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, और उसके बाद 19 ml ऑफ क्लियर वाटर लेना, ठीक। 100 ml लेना, उसमें 10 ml जो लेना है वो सोल्यूशन लेना है और 90 ml क्लियर वाटर लेना, ठीक। अब टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इंटू अनदर 19 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 times। अब 5 से 8 बार इसको करना है। इज द वाटर स्टील कलर्ड, क्या वाटर जो है वह कलर रहता है, तो देखते हैं एक्टिविटी क्या क्या इसको पता चलता है। तो ये हम पहले हम 100 ml लिए, 100 ml इसमें थोड़ा डालें, 10 ml डालें, फिर अब इसमें से निकाल के इसमें डालें, फिर 100 ml में डालें, फिर इसको 5 से 8 बार करना, ठीक। फिर इसको 10 ml निकाल के इसमें डाले, फिर इसको इसमें एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इससे हम पता चलता है कि कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रो द कलर बिकम लाइट, मतलब उसके हर एक डाइल्यूशन मतलब मिलाने के बाद जो कलर होता है वह हल्का फीका होने लगता है, ठीक। जो कि इट इज स्टिल विजुअल, जो कि थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक। अब बात करते आगे। अब कह रहा है दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट जो है वह लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकता है। 1000 liter मतलब 1000 liter है, ठीक है। अब कह रहा सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कि बिखरते 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिल जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन द रिपीटेड डाइल्यूशन। अब कह रहा है सेम एक्टिविटी करने वाला है 2 ml डेटॉल के साथ, अब जिस इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अब उसके बजाय पोटेशियम परमैंगनेट के बजाय, तो इसमें अब रिपीटेड डाइल्यूशन जो है रिपीटेड डाइल्यूशन को हम डिटेक्ट होगा, पता चलेगा स्मेल के अनुसार, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। कह रहा है स्मॉल पार्टिकल, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो इतने छोटे हैं कि छोटे छोटे जो इमेजिनेशन है इतने इतने छोटे हैं कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक। अब कह रहा है करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक। अब कह रहा है मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर का हम आदि करेक्टरिस्टिक मतलब हम उसका विभिन्न करेंगे, ठीक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन है, और उसमें स्पेस होता है, अब देखते हैं कैसे होता है। 1.1 and 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर साल्ट डेटॉल एंड पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी कॉफी और लेमोनेड, मतलब नींबू पानी जब बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। हाँ ठीक है, जैसे कि हम लोग नींबू पानी ले लेते हैं, हम नींबू में हम लोग थोड़ा ही मिलाते हैं और लगभग एक लीटर पानी में हम लोग एक नींबू मिलाते हैं,
तो हुआ ना, तो जो नींबू का जो रस होता है वो जो है वो उसमें अपना स्पेस बना के और अपना वहाँ पे अपना उसमें मिल जाता है। ठीक, आपका आदि स्वर इन अप स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इससे पता चलता है कि उसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। ठीक, बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे, अब एक्टिविटी देखते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हम लोग अनलिट इंसेंस स्टिक लेंगे अपने क्लास के कॉर्नर में। हाउ क्लोज डू यू हैव गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल, जितने क्लोज हो गए उतने नज़दीक उतना तुमको स्मेल करेगा। ठीक, अब कह रहा है नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब उसको बाहर देने के लिए कह रहा है। व्हाट हैपन, क्या होगा, अब तुम अपने सीट पर बैठ जाओ। डू यू गेट स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, कुछ दूर पर बैठ जाओ तो क्या तुम्हें स्मेल आएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कह रहा है। अब एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। क्वारा टेक टू ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर, अब जो कि भरा होना चाहिए, कितना का लेना कोई बात नहीं, तुम ले सकते हो जितना का मन। ठीक, अब ब्लू और रेड इंक धीरे धीरे केयरफुल्ली फर्स्ट बीकर में डालना है, और हनी शहद भी डालना है सेकेंड बीकर में। ठीक, अब कह रहा है लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस, अब उसे बिना छुए बिना डिस्टर्ब किए अपने घर में रख दो कॉर्नर, क्लास के कॉर्नर पे। ठीक, अब ऑब्जर्वेशन को देखो, हम लोग क्या पाएंगे इंक ड्रॉप को हम मिलाने के बाद, हम लोग क्या पाएंगे आफ्टर ड्रॉपिंग हनी, अगर हम हनी मिलाए शायद मिलाए थे तो उसमें कितने घंटा और दिन लगेगा इंक को कलर करने में पूरे वाटर में। ठीक ना, अब ये तुमको ऑब्जर्व करना है। ठीक, आगे देखते हैं। अब कह रहा है ड्रॉप एक क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक, इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, अब क्रिस्टल का ड्रॉप लेना है जो कि कॉपर सल्फेट का और पोटेशियम परमैंगनेट होगा, जो कि ग्लास ऐसा हॉट वाटर, और दूसरा लेना जो कि कोल्ड वाटर को कंटेन करता हो। अब कह रहा है डू नॉट स्टिच नहीं करना सॉल्यूशन को, अलाउ द पिस्टन टू सेटल एट बॉटम, आप कह रहा है मतलब हम लोग उसको नीचे की ओर आने देंगे, कोई हम उसको नीचे की ओर आने में कोई दिक्कत नहीं देंगे। अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे अबव द सॉलिड पिस्टन इन द क्लास, व्हाट हैपन एट एज टाइम पासेज, क्या होगा अगर समय बीत जाएगा तो हम लोग, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, हम क्या सजेस्ट किया जाता है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड के काबिल, अब कह रहा है डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, अब टेम्परेचर के साथ उसका मिक्सिंग जो है वह बदलेगा कैसे और क्यों। कह रहा फ्रॉम अबाउट थ्री एक्टिविटी कंक्लूड द फॉलोइंग, हम लोग ये पाते हैं, अब देखते हैं क्या पाते हैं। अब कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कह रहा मूव करता रहता है, दिस इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, अब कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है लगातार बढ़ते मूव करता रहता है, जो कि हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी को जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बताते हैं उसमें, एज द टेम्परेचर आ जाए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स मूव फास्टर, वैसे वैसे पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का वो भी इंक्रीज होगा, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक, इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज, ठीक, कर इन द अबव थ्री एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर, अब कह रहा है इस तीनों एक्टिविटी से हम लोग ये पाए कि पार्टिकल्स जो मैटर का है वह मिक्स होता है अपने आप एक दूसरे से, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अब ये होता है स्पेस के कारण, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस के कारण, इस इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स का जो इंटरमिक्सिंग होता है वो दो प्रकार के होते हैं मैटर का। ठीक,
ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और जो अपने आप हो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक, अब वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्ट, अब हीट करने पर डिफ्यूजन जो होता है वह फास्ट हो जाता है। अब क्यों होता है अब ये भी हम लोग जानते हैं। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ, अब बात करते हैं हम पार्टिकल जो मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग निगेटिव में पॉजिटिव, अगर हम आया मैं चुंबक को मिला तो वो जो है अट्रैक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पे बात कर रहा है। अब कह रहा है प्ले दिस गेम इन द फील्ड मेक फोर ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन, आई सजेस्ट द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक इट डू मिशमी डांसर। कह रहा हम लोग ये गेम खेलेंगे, चार ग्रुप बनाना है और ह्यूमन चेन बनाना है, जैसे कि बताया गया है। फर्स्ट ग्रुप जो है वो जो है वह एक दूसरे से पीछे से लेके वो पकड़े रहेगा एंड लॉक आर्म लाइक इधर, अब उसके जो घुटना है उसको हम बंद कर देंगे, मतलब उसको लॉक कर देंगे या बांध देंगे, जो भी कहो हम ऐसे कर दें। अब जैसे कि इदू मिसमी डांसर जो कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो ग्रुप है, देखो यहाँ पर तीसरा में दिया हुआ, जो दूसरा ग्रुप है उसके हाथ को पकड़ा हुआ है एक ह्यूमन चेन बनाने के लिए है। द थर्ड ग्रुप जो है वह एक दूसरे को टच किए हुए, थर्ड ग्रुप सिर्फ फिंगर से। ठीक, अब कह रहा है अब चौथा ग्रुप जो है, कह रहा है अब जो चौथा ग्रुप है स्टूडेंट का, वह एक मतलब दौड़ के आया उसके आसपास चारों ओर और वो ट्राई करे उस ह्यूमन चेन को तोड़ने का एक बाई एक। ठीक, एक छोटे से ग्रुप में जैसे पॉसिबल हो सके, जो कि अब कह रहा है विच ग्रुप वाज इजियर टू ब्रेक और वाई, अब कौन सा ग्रुप जो है उसको तोड़ने में कम परेशानी लगेगी, ईजी है, आसान है और क्यों। अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल्स ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। कह रहा है अगर हम इस एवरी स्टूडेंट को हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर माने तो कौन सा ग्रुप जो पार्टिकल्स का ग्रुप है वह मैक्सिमम फोर्स में वो जो है वह होगा, मैक्सिमम फोर्स में लगेगा और उसको तोड़ने में मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक, अब कह रहा है 1.7 पढ़ते एक्टिविटी, अब कह रहा है ठीक है आयरन नेल, कह रहा है जो कि चौक के पीस से होना चाहिए और रबर बैंड का होना चाहिए। ठीक, अब कह रहा है उसको तोड़ने के लिए हैमर के साथ, अब काटने के लिए और उसको मोड़ने के लिए। ठीक, अब इन तीनों सब्सटेंस से कौन से ज़्यादा फोर्स लगेगा पता करना है। एक्टिविटी अब कह रहा है 1.8 में, अब एक हम टैप को खोल देंगे, उसके धार मतलब जो स्ट्रीम है उसके जो धार जिसको कहते हैं उसके वाटर को उसको ब्रेक करना तोड़ना। ठीक, क्या तुम सक्षम हो उस वाटर के धारा को तोड़ने में। ठीक, अब कह रहा है व्हाट कुड बी रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, तो क्या रीजन है वाटर के स्ट्रीम के मतलब धारा के पीछे जो कि एक साथ होते हैं। ठीक, अब कह रहा है इन तीनों एक्टिविटी 1.6 पार्टिकल्स ऑफ मैटर फोर्स जो उसके बीच में हो रहा है, दिस फोर्स और पार्टिकल्स को एक दूसरे में रहना ही एक दूसरे से ही मिला हुआ रहता है। ठीक, पार्टिकल्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और जो इसका स्ट्रेंथ है इस फोर्स का वह एक दूसरे से अलग है। ठीक, एक दूसरे से अलग है। ठीक, अब क्वेश्चन जो हम लोग कर लेंगे, तो कह रहा है स्टेट ऑफ मैटर, अब मैटर के स्टेट के बारे में पढ़ते। ठीक, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट डिफरेंट स्टेट। अब कह रहा है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ले लेंगे हम अपने आसपास से, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट, क्या वो डिफरेंट स्टेट क्या है। कैन वी सी डैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, हम जानते हैं कि मैटर तीन प्रकार का होता है जो कि आसपास में है, सॉलिड लिक्विड गैस। द स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक, अब मैटर का जो स्टेट है
इसलिए बताया क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के कारण, ठीक, जो कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल के बारे में हम लोग पढ़े थे पीछे, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। सॉलिड स्टेट कह रहा है, हम लोग इस पार्टिकल्स को कलेक्ट करें, जैसे कि एक पेन हो गया, बुक हो गया, नीडल हो गया और एक वुडन स्टिक हो गया, ठीक। और कह रहा है सेकेंड में जो स्केच बनाना है, जो जो पेन बुक और नीडल का हम जो बोले हैं उस पेंसिल से उसके चारों। अब कह रहा है ये सारा जो एक्टिविटी सारा जो पार्टिकल्स है जो लिए हैं उसके पास डिफिनेट एक ही शेप है, एक ही बाउंड्री है, फिक्स वॉल्यूम है। क्या होगा अगर हम उसको हैमर से, हथौड़ी से मारें, धकले, तोड़े, क्या यह सक्षम है एक दूसरे में डिफ्यूजन का, ठीक। अब कह रहा हम कंप्रेस करेंगे उसको, ट्राई करना है कंप्रेस करने का अपने फोर्स को लगा के, ठीक। क्या तुम सक्षम हो कंप्रेस करने में, ये एक्टिविटी, ठीक। अब कह रहा ऑल द अबव एग्जांपल ऑफ सॉलिड वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज हैव ए डिफरेंट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम। अब कह रहा है ये सब जो है उसके पास डिफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, फिक्स वॉल्यूम है, जिस नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी अ सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, सॉलिड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक। बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन जो कठोर होता है उसका शेप को चेंज करना, क्योंकि दे आर रिगिड, कठोर होता है। कंसिडर द फ्रेंड व्हाट अबाउट द रबर बैंड। अब रबर बैंड का क्या तुम्हारा उसके बारे में विचार है, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग। यस, खींचने पे वो चेंज होता है ना, हाँ रबर तो चेंज होता है, क्या वो सॉलिड है। व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, दिस टेक अ शेप ऑफ जार, क्योंकि ये सॉलिड है। व्हाट अबाउट द स्पॉन्ज, अब स्पॉन्ज चम्मच के बारे में कह रहा है, क्या हम उसे स्पॉन्ज को हम कंप्रेस करने दबाने में सक्षम होते हैं, क्यों। ऑल द सॉलिड्स अबव आर सॉलिड्स एज ए रबर बैंड चेंज देयर शेप अंडर फोर्स रिमेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक। अब द एक्सेसिव फोर्स, एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक, टूट भी जाता है, सही बात है। द शेप ऑफ इच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड, हाँ। वेदर वी टेक इन टू आवर हैंड, जब हम हाथ में लेते हैं तो, ठीक। पुट इन टू प्लेट और इन जार, ठीक। अब कह रहा है स्पॉन्ज जो है वह उसके पास बहुत सारे मिनट्स होल्स ये जिसमें एयर जो है ट्रैप हो जाता है, जब हम उसको प्रेस करते हैं एयर जो है वह बाहर निकल जाता है, और हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। अब कह रहा है लिक्विड में कि हम लोगों को वाटर, कुकिंग ऑयल में चीज़ें उसको कंटेन करना है। अब कंटेनर में डिप रखना है 50 ml मार्क करके, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए लेबोरेटरी से लेके हम लोगों को यूज करना है। क्या होगा फ्लोर पे अगर हम इसको रखेंगे, हम लोग 50 ml कुछ भी हम ले सकते हैं, वाटर ही ले लेंगे, कोई भी लिक्विड, एंड डिफरेंट कंटेनर में रखेंगे एक करके, ठीक। अब वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है, शेप जो होता है लिक्विड का सेम रहता है, जब हम उसको मिलाते हैं एक से दूसरे में क्या वो आसानी से चला जाता है, ठीक। कर अब यू ऑब्जर्व, यहाँ पे बात करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड का पास कोई फिक्स शेप नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है, एक कंटेनर का शेप ले लेता है और लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड दूसरे में जाता है और अपना शेप चेंज कर लेता है, इसलिए हम इसको रिगिड नहीं कर सकते हैं लेकिन हम फ्लूइड इसको जरूर कर सकते हैं। 1.4 और 1.5 हम लोग देख लें, सॉलिड और लिक्विड जो है वह लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है, गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर जो डिफ्यूज हो जाता है और वाटर में पिघल जाता है, मिल जाता है। यह जो गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी, ठीक। अब कह रहा है ऑल द लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ
फॉर सर्वाइविंग तो हम लोग जानते थे एक्वाटिक एनिमल्स कैन बी ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन। अब एक्वाटिक जो पानी में जलीय जानवर है वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वाटर में जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। थस विंग में कॉलन फ्लू डेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन बी डिफ्यूज इन टू सॉलिड लिक्विड, वो जो है लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक, अब कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, रेट है उसका डिफ्यूजन का रेट है हायर दैन डेट ऑफ सॉलिड। ठीक, अब दिस इज ड्यू टू द फैक्ट डैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। हाँ, तो ये तो सही बात है, पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करता है और उसके पास बहुत सारा स्पेस होता है एक दूसरे के मुकाबले, जैसे कि अगर हम उसका कंपेरिजन कंपेयर करें सॉलिड स्टेट में तो। ठीक, अब कह रहा है गैसियस स्टेट, अब गैसियस स्टेट के बारे में बात करते हैं। हम लोग ऑब्जर्व किए होंगे बैलून जो सिलर है वह उसे हवा भरता है और बहुत सारे नंबर ऑफ बैलून्स एक छोटे से सिलेंडर से बहुत सारे बैलून में हवा भरता है। अब उसमें कितना बैलून हो जाता है एक छोटे से सिलेंडर से, क्या वो सक्षम है एक ही सिलेंडर से भरने का? आस्क हिम विच गैस डज ही हैज इन सिलेंडर, क्या कौन सा गैस है सिलेंडर में। अब हम लोगों को 100 ml स्ट्रिंगर ले लेना है, अब उसके नोजल को हम लोगों को बंद कर लेना है रबर को। अब ये जो है स्ट्रिंगर, ठीक, अब हमको 100 ml तीन लेना है, तीन जैसे 100 ml फिर दूसरा में 100 ml, अब उसके ऊपर से नोजल को बंद कर लेना है रबर कॉर्क के द्वारा। ठीक, अब कह रहा है अश्विन जिसको 1.4 में दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पर बात किया जा रहा है जो सुई नहीं होती है सुई के ऊपर को हटा देना है, अब उसको रबर कॉर्क से बंद कर देना। ठीक, अब कह रहा पिस्टन को हम लोग को हटा देना है, जैसे पिस्टन पीछे सुई के जिससे हम लोग दबाते हैं ना पीछे से, तो उसको हटा देना। ठीक, अब कह रहा लिविंग वन स्ट्री साइरिंग अनटच्ड, अब एक स्ट्रिंग जो है वह बिना छुआ होना चाहिए, फिल वाटर इन द सेकेंड, अब दूसरे में भी वाटर भरना है और चौक का पीस रखना है तीसरे में, अब पिस्टन रखना है स्ट्रिंग के अंदर। अब ठीक, पिस्टन जो है बैक इनटू द स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग के अंदर फिर रखना है सुई के अंदर। अब कह रहा है अब सो यू कैन यू मे एबल अप्लाई सम वैसलीन ऑन पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू स्टीयरिंग फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। ठीक, हाँ, तो वो मुलायम होने के लिए, मतलब जो हल्का फ्रीली मूव होने के लिए, ठीक ना, उसमें हम वैसलीन लगा देंगे। ठीक, अब हम लोग ट्राई करेंगे उसको पुश करने का सभी स्ट्रिंग से। ठीक ना, अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, अब किस केस में जो पिस्टन हो जाए आसानी से हो जाएगा पुश हो जाएगा, क्या ऑब्जर्वेशन से तुम क्या इन्फर करते हो, बात करते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिव एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, अब गैस जो है वह बहुत ही कंप्रेसिव होता है सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG गैस है वह जो कि हमारे घर में खाना बनाने के लिए होता है, ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर, ऑक्सीजन जो है वह हॉस्पिटल में सिलेंडर में होता है, और आप कंप्रेस नेचुरल गैस की बात करें जो कि फ्यूल के यूज में होता है, हम लोग व्हीकल में भी यूज करते हैं क्योंकि हाई कंप्रेसिबली है, बहुत सारे वॉल्यूम गैस का बहुत सारे वॉल्यूम जो है वह कंप्रेस होता है इस छोटे छोटे सिलेंडर में। ठीक, अब जो कि ट्रांसफर हो जाता है ईजिली। अब कह रहा वी कम नोट व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट इवन एंटरिंग बाय द स्मेल दैट रीच आवर नोस्ट्रिल, अब कह रहा हम लोग ये जानते होंगे कि कैसे खाना किचन में जो खाना है वो बनता है, तो हम उसके अंदर किचन में बिना जाने वो हमारे नाक में पहुंच जाता है और हम लोग सुगंध लेते तो हमें पता चल जाता है कैसे ये हवा पहुँच मतलब ये स्मेल आते हैं, जो फूड का जो अरोमा होता है पार्टिकल्स वो फैल जाता है पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ किचन से और हम लोगों के पास आ जाता है और इवन और दूर भी चला जाता है, जो
हॉट कुक फूड जो है जल्दी पहुंच जाता है, जो कि डिफ्यूज़न सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले, क्योंकि हाई स्पीड पार्टिकल्स होता है, हाई स्पीड पार्टिकल्स का हाई स्पीड होता है और लार्ज स्पेस होता है उसके बीच में, कैसे जो है डिफ्यूजिंग का प्रॉपर्टी को शो करता है, क्योंकि बहुत फास्ट दूसरे गैस के मुकाबले है। अब कह रहा है अब गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, जो पार्टिकल्स जो है वह मूव करता है हाई स्पीड में, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट के कारण पार्टिकल्स जो है वह हीट करता है एक दूसरे को, और जो वॉल्स कंटेनर का वॉल्स जो है उस पर हीट करता है और प्रेशर एग्जर्ट करने का कोशिश करता है। प्रेशर जो गैस के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है वह फोर्स, वो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एग्जर्ट बाय गैस, क्योंकि फोर्स जो है वह गैस के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है इसलिए प्रेशर भी एग्जर्ट करता है, ठीक, पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, पर यूनिट ऑफ एरिया ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक। अगर सॉलिड में हम लोग देख सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स कितने चिपके हुए हैं, ठीक। अब लिक्विड में हम लोग कुछ मिला, जैसे कि हम लोग साल्ट मिलाते हैं तो देखो उसमें स्पेस कितना बढ़ जाता है सॉलिड के मुकाबले। और अब देखते हैं गैस में देखो कितना कम है ये, और अगला वीडियो हम पार्ट टू के रूप में हम बनाएंगे, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, और अगर नोटिफिकेशन चाहिए और हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ब्रो।